दिल्ली के जोरबाग स्थित आर्य समाज मंदिर के प्रांगण के अंदर योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर सतपाल ने योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप का विस्तार से विवरण करते हुए उन्हें विश्व का परमपिता परमात्मा बताते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। आर्य समाज जोरबाग में आयोजित योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म महोत्सव में सुबह से ही भक्ति संगीत यज्ञ व श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया गया। पंडित श्याम बिहारी मिश्र व डॉक्टर संस्कृत मथुर व अवरिल माथुर हर किया गया, जिसमें उपयुक्त योगेश्वर श्री कृष्ण पर सामयिक परिचर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह व मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार लेखक चिंतन व वेद प्रताप वैदिक रहे, जिसकी अध्यक्षता दैनिक यज्ञकर्ता ब्रिज गोपाल खोसल ने की। वहीं संयोजक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान विद्या प्रसाद मिश्र ने दिया। इस कार्यक्रम में प्रधान हरीश धवन, मंत्री महेंद्र पटेल व कोषाध्यक्ष संजय गांधी अनुराग सहित कई गणमान्य आर्य समाज में मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। किस तरीके से सभी को सम्मानित भी किया गया, प्रकृति चिन्ह जो है वो भी यहाँ पर दिया गया। और देखिए कि किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो योगेश्वर जन्म श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के इस कार्यक्रम में पहुँचे, और जिस तरीके से जो बातें रखी जा रही उसको पूरी तरीके से यहाँ पर सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। आर सोनिज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। कदम कदम पर कृष्ण जी महाराज ने अपनी नीति का परिचय दिया। जब युद्ध चल रहा होता था तो रात में पहले ही दिन ये तय हो जाता था कि कल किस किस को लड़ना है, कौन कौन से भारतीय कल लड़ेंगे। तय हो गया एक दिन कि कल युद्ध होगा अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच में। और भीष्म पितामह जैसा भारतीय लड़े और अर्जुन बच जाएंगे हो नहीं सकता था। कृष्ण जी गए द्रौपदी के शिविर में, कहा सखी उठिए, सखी कह देते हो, सखी उठिए मेरे साथ चलिए। रास्ते में बता दिया जो कुछ करना था, गए भीष्म पिता जी के यहाँ, पैर छुए द्रौपदी ने, भीष्म पिता महजी ने कह दिया सौभाग्यवती महाराज, सौभाग्यवती कैसे रहोगी। कहने लगी फिर क्या करूँ कि फिर चलिए और कहिए कि सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो आपने दे दिया, लेकिन अर्जुन तो जीत नहीं सकते आपके सामने। वो तुम्हारे कहने लगे फिर क्या चाहते हो आप। कि मैं चाहती हूँ अर्जुन जिंदा रहे, तभी मैं सौभाग्यवती होंगी। उपाय बताइए कैसे रहेंगे। विश्व पिता मैंने कहा एक शिखंडी मेरे सामने लाकर खड़ा कर देना, मैं हथियार डाल दूंगा, अर्जुन तीर चलाएंगे, वो जीत जाएंगे और तुम सौभाग्यवती रह जाओगे। कितनी बड़ी बात है, आप क्यों कष्ट पा रहे हैं, मृत्यु ले लीजिए। कहा नहीं, जब उत्तरायण होगा वाली भाई का नहीं है, काल का जी का मंदिर है, काल सूर्य का समय का, और हिंदुस्तान में भारतवर्ष में दो ही मंदिर है काल के, महाकाल उज्जैन और काल का मंदिर। इसका क्या संबंध कुतुब मीनार से है और कुतुब मीनार क्या है, इस पर नहीं बोलूंगा लंबा हो जाएगा। मैं जो स्पीकर था मैं परवाह नहीं करता हूँ किसी की भी, किसी भी पार्टी में हूँ अपनी बात कहता हूँ। मैंने दो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पढ़े लिखे लोग थे
उन दोनों एसोसिएशनों से कहा कि मैं एक शब्द राजनीति पर नहीं बोलूंगा, आप अपनी मीटिंग बुलाइए। आने वाले पूरे विश्व में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आप कृपा करके अपना उद्बोधन में हम सबको लाभान्वित करें। आप प्रथम ओम शांति शांति शांति। आज योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जोरबाग आर समाज में आयोजित इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष श्री दंसपोत्रा जी वक्ता बहुत ही देश के बहुत ही प्रसिद्ध प्रकार लेखक निर्भीक लेखक आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, हम सारी बातें वेद की कर रहे हैं, वैदिकों की कर रहे हैं, आपके नाम का ही प्रचार। उनके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन वाणी का उसकी एक मर्यादा है, समय की मर्यादा है, उनके बारे में बखान करना बड़ा कठिन काम है। इंद्रप्रस्थ का राज जब पांडवों ने स्थापित किया, युधिष्ठिर का राज से यज्ञ होने लगा, यह प्रश्न निर्माण हुआ कि आगे किसको दिया जाए। शांत हो जाइए देवियों और सज्जनों, हम लोग अपने घर के महापुरुषों देखिए योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं आर समाज जोरबाग का धन्यवाद करता हूँ और मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण एक आप्त पुरुष थे और उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत को पाप कर्म या कोई अधर्म का काम नहीं किया। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, एक युग पुरुष थे, एक महामानव थे। उनका जीवन पूरे भारत व केवल भारतवासियों के नहीं सारी दुनिया को प्रेरणा देने वाला है। हम उनके चरित्र की पूजा करें, केवल मात्र चित्र की नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्मोत्सव आर्य समाज जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाता है वो एक अद्भुत प्रकार का कार्यक्रम होता है। उसमें भगवान कृष्ण के योगेश्वर रूप, समर नीतिज्ञ रूप, आध्यात्मिक रूप और समाज संपूर्ण मानव समाज के मार्गदर्शक के रूप का प्रतिनिधित्व होता है। वो कृष्ण के जो अटखेलियों वाले रूप लोगों ने मनगढ़ंत बना रखे हैं उनको नहीं मानता है, जिनको वो अच्छे लगते हैं लगते रहें, लेकिन कृष्ण का ये जो रूप है दिव्य रूप जो समाज को, देश को, मनुष्यों को, परिवारों को आगे बढ़ाता है, आर्य समाज उसी पर जोर देता है। आर्य समाज लगातार जिस तरीके से काम कर रहा है, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे युवा शक्ति के लिए क्या कहेंगे? आर्य समाज क्षीण होता जा रहा है। आर्य समाज ने इस देश की आज़ादी के लिए जितना बड़ा काम किया है किसी संस्था ने नहीं किया है। कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, उसके पीछे शक्ति आर्य समाजियों की थी। देश के ज़्यादातर क्रांतिकारी आर्य समाज ने पैदा की है। स्वाधीनता की सबसे पहले मशाल अगर किसी ने जलाई तो महर्षि दयानंद ने जलाई, लेकिन आर्य समाज को राजनीति खा गई है। आर्य समाज को बहुत से पाखंडी लोगों ने अपने प्रभाव में ले लिया है, लेकिन आज भी आर्य समाज की विचारधारा में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो देश का ही नहीं पूरे संसार का रूपांतरण कर सकती है। और जो आर्यावर्त को निर्माण करने की बात थी, महर्षि दयानंद का जो सपना था अराकान से खुरासान तक के देशों को एक करना, सांस्कृतिक दृष्टि से उनको जोड़ना, ये काम अब हम शुरू कर रहे हैं। देखिए आर्य समाज एक जागृत संस्था है और हर वो कार्यक्रम करती है जिससे नौजवानों को प्रेरणा मिले। योगीराज श्री कृष्ण पर आज कार्यक्रम था, जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन अधिक लोग नहीं आ सकते थे, इसलिए आज रविवार के दिन किया है और कई अच्छे वक्ता आज यहाँ पर आए हैं और आर्य समाज के बारे में और योगेश्वर श्री कृष्ण जी के बारे में काफ़ी कुछ बतलाया है।
आपने भी यहाँ पर अपने विचार रखे, लोगों ने सुना, क्या लगता है सही मायने में किस तरीके से जन्म उत्सव मनाना चाहिए कृष्ण जी को लेकर? क्या सिर्फ एक दिन की जन्माष्टमी से लगता है कि जन्म उत्सव हो जाता है कि रोजाना? देखिए, हर समाज की और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी मान्यता ये है कि कृष्ण जी को केवल गोपियों के साथ रास करने तक सीमित कर दिया गया है, वो गलत है। उनकी वास्तविक जीवनी के बारे में जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक समाज कोई प्रेरणा नहीं ले सकेगा। आज का कार्यक्रम हमने योगेश्वर कृष्ण जन्मोत्सव रखा है, इसीलिए जन्म अष्टमी नहीं रखा क्योंकि अष्टमी तिथि तो आज है नहीं। तो आर्य समाज किस रूप में योगेश्वर कृष्ण को मानता है, किस रूप में चाहता है कि देश माने, गीता की आज क्या प्रासंगिकता है, तो इस विषय पर एक चर्चा रखी थी और उसमें जो मुख्य अतिथि थे हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बहुत ही सधी हुई भाषा में ये बताने का बड़ा सफल प्रयास किया कि योगेश्वर कृष्ण के जीवन में कोई चारित्रिक दोष नहीं थे जो भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथ में लगाए गए हैं। कभी भी वह किसी गोपी का वस्त्र लेकर के नहीं भागे, कभी दही माखन चोर छछोर नहीं रहे, राधा के बगैर कृष्ण आधा, इसका जोरदार ढंग से तर्क संगत प्रमाण के साथ खंडन किया गया कि राधा शब्द न तो महाभारत में है, न गीता में है, न कहीं और है। ठीक है, तो राधा तो एक मंडली का नाम था, एक ग्रुप का नाम था, उसको लीड करते थे भगवान कृष्ण, अंदर अंदर योजना बनती थी कंस को डिफीट देने की और बाहर बाहर लोग समझते थे पूजा पाठ का संगठन है। तो इसलिए राधा के साथ कृष्ण का जोड़ना महिला के रूप में कितना अक्षम अपराध है। योगेश्वर कृष्ण का सच्चा स्वरूप जिस दिन प्रचलित हो जाएगा उस दिन देश का उद्धार होगा, समाज विश्व का कल्याण होगा। केवल और केवल दुनिया के इतिहास में योगेश्वर कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं हर मुसीबत को देख के मुस्कुराते हैं, कभी रोए हों कृष्ण एक भी उदाहरण नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी विशेषता उनके जीवन की, उसका हम प्रचार और प्रसार करने के लिए ये छोटा सा आयोजन किया। धन्यवाद। दलाल अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और आर्य समाज एक ऐसा समाज है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं, वो एक हमारे पुरखों का एक विरासत है जो हमें मिली है, बट हमने उसकी प्रचार नहीं किया, लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं ये विनती करूँगी यंगस्टर्स से कि वो आएँ और जानें कि आर्य समाज क्या है और समाज की शुद्धि कैसे होती है।